वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको ये जानना है कि थर्ड पार्टी उनको प्यार देगी या धोखा देगी, क्या देने वाले हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एज गिफ्ट। आपने जितना कुछ इन्वेस्ट किया अपने पर्सन में, जो प्यार उनको दिया, अपना टाइम दिया, अपने आप को सौंप दिया, उसके बाद आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, आपको उसका कितना दुख है कोई भी समझ सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी उनको क्या देने वाली है, तो क्या आपके पर्सन को प्यार मिलने वाला है थर्ड पार्टी से या धोखा, इसकी रीडिंग आज हम करने वाले हैं, जिसके लिए दो पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स। पाइल वन में है ये ब्राउन बुद्धा, पाइल टू पे है ये ब्लू बुद्धा। पाइल वन ब्राउन, बुरा नहीं बोलना। पाइल टू ब्लू, बुरा नहीं सुनना। जिस भी पाइल से रिजोनेशन आपको फील होता है उससे एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल सिलेक्ट ना हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों ही रीडिंग्स देख लें, जो कुछ रिजोनेट हो दोनों में से वो रख लें, जो ना रिजोनेट हो वो जाने दें। तो आइए हम रीडिंग करते हैं पाइल वन ब्राउन बुद्धा या बुरा नहीं बोलना। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से क्या मिलने वाला है आगे जाके, प्यार या फिर धोखा। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कार्ड से आपको काफी कुछ अंदाजा हो गया। टावर कार्ड आया है, आपको बहुत कुछ समझ आया है। थर्ड पार्टी जो है ये आप दोनों के मुझे कॉमन फ्रेंड फील होते हैं, आप दोनों के ही ये फ्रेंड थे काफी सालों से, ये मुझे दिख रहा है रीडिंग से। फ्रेंड नहीं हो तो आप काफी टाइम से आप दोनों को पहचानने वाले ही कोई पर्सन थे। आपके पर्सन जिस तरह से आप पर ध्यान देते थे, आपसे प्यार करते थे, इनफैक्ट आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में इतना कुछ डिस्कस करते थे कि सुनते सुनते थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक जेलिसी का एलिमेंट क्रिएट हुआ। उनको अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या भाव आने लगा आपको लेकर कि उन्हें ये लगने लगा कि आपके पर्सन आप पर कितना ध्यान देते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके पर्सन अपनी हर बात थर्ड पार्टी से शेयर करते थे। कुछ मामला इस तरह का था, आपसे वो जितना अफेक्शन रखते थे वो सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करते थे, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जब भी आपके खिलाफ कुछ कहती थी तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेते थे, थर्ड पार्टी को चुप भी कराते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो कच्चे कान के लोग होते हैं धीरे धीरे वो आपके बारे में थर्ड पार्टी कुछ ऐसी बातें करने लगी, ऐसा कुछ कहने लगी, ऐसा कुछ फील कराने लगी आपके पर्सन को कि जब भी आपके पर्सन उनसे कुछ भी शेयर करते थे थर्ड पार्टी कुछ इस तरह का स्टैंस लेती थी, कुछ इस तरह की बात उनको कह देती थी कि आपके पर्सन के दिल में धीरे धीरे आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होने लगी। इसलिए कहा जाता है, बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं समझदार लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को जहां तक हो सके अगर खुद उलझाते हो तो खुद ही उसे सुलझाओ, इसकी बजाय कि आप किसी भी इंसान पर भरोसा रखकर अपनी रिलेशनशिप की बातें उनको बताओ। तो आपके पर्सन से मैं ये तो नहीं कहूंगी गलती हुई, गलती ये नहीं हुई कि उन्होंने उनको बताया, गलती आपके पर्सन से ये हुई कि उन्होंने बहुत ज्यादा एतबार कर लिया थर्ड पार्टी पे, और थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके खिलाफ इस तरह की बातें उनके कान में डालना शुरू कर दी कि आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया। आप दोनों में पहले तो कॉम्युनिकेशन गैप आया और फिर फिजिकल डिस्टेंस और फिजिकल एक दूरियां आप दोनों में आने लगी। कुछ इस तरह से थर्ड पार्टी ने उनको अपने काबू में कर लिया कि आपके पर्सन जो भी होता उनसे शेयर करते, जो भी थर्ड पार्टी आपके लिए उनको समझाती वो मानने लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ये टावर कार्ड जो आया है, डेफिनेटली आपके पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है थर्ड पार्टी से। किस तरह से झटका लगेगा वो तो हम देखते हैं आगे के कार्ड से निकाल के। फिलहाल तो थर्ड पार्टी के शिकंजे में घिरे हुए हैं, पूरी तरह से उनके ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये टावर कार्ड आया है तो हम पूछेंगे एंजल से ऐसा क्या होने वाला है
कि उनको थर्ड पार्टी से इतना बड़ा झटका मिलेगा, इतना बड़ा शॉक मिलेगा, ऐसा शॉक जिसमें से रिकवर होना शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बर्डन उनके ऊपर बन जाएगा कि वो चाह के भी थर्ड पार्टी से ना पीछा छुड़ा पाएंगे इजिली, ना आपके पास आ पाएंगे इजिली। आप देख रहे हैं ये पर्सन इस तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ जा रहा है, ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आना भी चाहेंगे, अपनी सब बातें बीती बातों को भुलाकर आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी से क्या झटका लगने वाला है, तो वो ये है कि वो आपके पर्सन से जितने भी फैसिलिटीज ले सकती है थर्ड पार्टी लेगी, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लेंगे आपके पर्सन से। एक मिनट में अपना माइक सेट कर लूं फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लेगी, फाइनेंशियली इनको इतना खाली कर देगी थर्ड पार्टी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा थर्ड पार्टी के साथ के रिलेशनशिप का। लेकिन इस तरह से वो थर्ड पार्टी के चुंगल में उस वक्त फंसे होंगे कि चाह के भी ना निकल पाएंगे ना आपकी तरफ आ पाएंगे। वो चाहेंगे सब कुछ भुलाकर वो आपकी तरफ कदम तो बढ़ाएं, लेकिन उनको थोड़ी इश्यूज आएंगी जरूर, क्योंकि जब थर्ड पार्टी उनसे इतना कुछ बेनिफिट ले चुकी होगी तो उनके दिल में ये तो आएगा ही कि थर्ड पार्टी ने जो मुझसे बेनिफिट लिया है उसको मैं रिकवर कर लूं। तो थर्ड पार्टी का कोई इंटेंशन आपके पर्सन को प्यार करने का नहीं है, उनका उनको संभालने का नहीं है, वो सिर्फ मिसयूज कर रही है थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में जो इश्यूज है उसमें इंटरेस्ट लेकर आपके खिलाफ आपके पर्सन को वो करती जा रही है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो तो आप यहाँ जो सेम जेंडर है तो वही। तो इस तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरह से इस वक्त काबू में रखे हुए है। आपके पर्सन को रियलाइज होने वाला है, टावर कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, हमने उसका रीजन भी देखा कि जब आपके पर्सन फाइनेंशियली खाली हो जाएंगे और उसको हेल्प करने से मना करेंगे तब थर्ड पार्टी अपना असली रूप आपके पर्सन को दिखाएगी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है आपके पर्सन से बेनिफिट लेने की। और तब आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या कर दिया है अपने रिलेशनशिप के बारे में शेयर कर करके इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी धमकाती भी रहेगी कि जो कुछ तुमने मुझे बताया इसका मैं मिस यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस तरह से आपके पर्सन को एक तरह का मैं कहूंगी ये इमोशनल ब्लैकमेल, फाइनेंशियल ब्लैकमेल करने वाली है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत भारी शॉक आने वाला है इन रिसेंट फ्यूचर। फिलहाल तो वो थर्ड पार्टी के साथ काफी कंफर्टेबल एक लुक्स में मुझे लग रहे हैं, कंफर्ट जोन में थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आगे जाके थर्ड पार्टी से ऐसा झटका लगेगा, इतना बुरा झटका लगेगा कि आपके पर्सन को छठी का दूध याद आने वाला है, उनकी नानी याद आने वाली है, और तब वो आपके पास लौटना चाहकर चाहेंगे तो भी उनके लिए मुश्किल क्रिएट होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको इमोशनल और फाइनेंशियल ऑलमोस्ट सॉफ्ट ब्लैकमेलिंग के पॉइंट पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, पाइल वन का रीडिंग आप खुद ही आपने देखा है कौन से कार्ड्स आए। कई लोगों ने बोला है आप रीडिंग बहुत डिप्लोमेटिक करते हैं, मैं कैसे डिप्लोमेटिक रीडिंग करूंगी अगर कार्ड्स ऐसे आएंगे। जो कार्ड्स आते हैं मैं आपको वही बताती हूँ, जब बुरे आते हैं तभी भी मैंने आपको बताया। इनफैक्ट कई लोगों ने ये कहा है आप कितनी ज्यादा बार हमें नेगेटिव बातें क्यों बोलते हैं, तो कई लोग बोलते हैं आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो प्लीज अपने हिसाब से रीडिंग्स को समझिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ना मैं पॉजिटिव करती हूँ ना मैं नेगेटिव करती हूँ, जो कार्ड्स आते हैं मैं आपको क्लियर कट वही बताती हूँ पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, पाइल वन का रीडिंग हुआ कंप्लीट, जबरदस्त शॉक मिलने वाला है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल टू नाउ। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टर्न फॉर पाइल टू, ब्लू बुद्धा, बुरा नहीं सुनना। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को क्या मिल सकता है, प्यार या धोखा। जरूरत पड़े तो ही मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालूंगी, उसके बिना अगर काम हो गया तो और बात। चलो, थर्ड पार्टी ऑलरेडी आ गई आपकी रीडिंग में। ऑल साइंस रीडिंग है फ्रेंड्स आज की, इसलिए साइंस पे हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। स्ट्रेट अवे इट्स अबाउट सिचुएशन, थर्ड पार्टी है इसमें कोई शक नहीं है, और थर्ड पार्टी की ब्यूटी से या इंटेलिजेंस से आपके पर्सन को ऐसा लगा होगा। मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी ऐसी ही है, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मुझे ऑनलाइन कहीं मिली हुई लगती है, ऑनलाइन इन दोनों की मुलाकात हुई है,
और उसके बाद से आपके पर्सन इनमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं। थर्ड पार्टी की ब्यूटी से, जैसे कि उन्हें लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल है, या उनकी इंटेलिजेंस से, या उनकी जो कमिटमेंट लेवल है अपनी लाइफ के प्रति, उसकी वजह से आपके पर्सन को अट्रैक्शन हुआ है थर्ड पार्टी से। वैसे ये नॉर्मल है, कई केसेस में होता रहता है, कई लोग इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी आपको इसका बुरा नहीं मनाना, लेकिन ऐसा जब होता है ना कि एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन होता है किसी नए पर्सन से, जब एक ही इंसान के साथ आप लंबा टाइम रिलेशनशिप में होते हैं, तो कुछ वजह से आप नए पर्सन में इंटरेस्ट लेने शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन उसमें उसके लिए कायल हो जाएगा या हो जाएगी। टेम्पररी उनको कुछ एक फन चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो ये सब नखरे करते हैं। क्योंकि आपके केस में मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन बहुत सीरियस तो नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन फिलहाल उनको उनके स्टाइल से, उनके उनके अचीवमेंट्स जो भी थर्ड पार्टी ने उनको बताया होगा, मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी ऐसी है, आपके पर्सन को लगता ही ऐसे है और आपके पर्सन उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं ये इसलिए कह रही हूं दावे के साथ, दो कार्ड्स जो इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं, जजमेंट एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सारा खेल ये दो कार्ड्स पे है। इसके अलावा जो कुछ है पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर इन दो कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी, जरूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी निकालूंगी। तो आपके पर्सन ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया पे मिले हैं इनको, और पहले जब इंसान एक दूसरे को नहीं देखते, जो कुछ भी एक दूसरे को बताते उस पर विश्वास करके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं सामने वाले पर्सन से। तो आपके पर्सन मुझे ऐसे ही कुछ बातों से अट्रैक्टेड लगते हैं थर्ड पार्टी से, जो कुछ भी उसने अपने बारे में बताया या अपनी जो पोस्ट डाली है, जो पिक्चर्स डाली है, उससे इम्प्रेस हुए हैं आपके पर्सन। लेकिन मुझे लगता है जब भी आपके पर्सन अगर इनसे मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, दोनों ही केसेस में थर्ड पार्टी को, अभी नया नया है, हो सकता है मिल भी रहे हो, लेकिन अभी जो उनके दिमाग पे पर्दा डला हुआ है थर्ड पार्टी की इम्प्रेशन को लेकर, उसको खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये कार्ड आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। इनको रियलाइज होगा आगे जाके कि थर्ड पार्टी उतनी इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि उसने इनके सामने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है या शो ऑफ किया है, ये बात का रियलाइजेशन होगा। फिलहाल आपके पर्सन समझ रहे हैं थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अचीवर है, उसके लुक्स ये हैं, उसके पोस्ट देखे इम्प्रेस हुए हैं, हो सकता है वो बातों की वजह से नए नए इम्प्रेशन में भी है, लेकिन आगे जाके इम्प्रेशन खत्म होने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगी थर्ड पार्टी इनको धोखा देगी या प्यार देगी, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में जो इम्प्रेशन हैं वो धीरे धीरे वेड ऑफ हो जाएंगे आगे जाके, और तब उनको लगेगा थर्ड पार्टी में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है जितने की उन्होंने समझ ली है। जैसे कि मैंने बताया, जब रिलेशनशिप नया होता है हर चीज सामने वाले की हमें अच्छी लगती है, वो सच हो झूठ हो हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी तो उसने जो कुछ भी आपके पर्सन को बताया है उस पर कायम होने की कोशिश तो करती रहेगी या करता रहेगा वो पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वक्त जाते ही समझ आने लगेगा कि थर्ड पार्टी में वो चीज है ही नहीं जो वो ढूंढ रहे थे इसमें। तो एक तरफ से मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन ने आपको सॉफ्ट चीटिंग तो आपके साथ की ही है, लेकिन थर्ड पार्टी का भी इम्प्रेशन बहुत जल्दी उनके खोपड़ी से उतर जाने वाला है। आइए थोड़े और कार्ड निकाल के चेक कर ही लेते हैं, अगर इसमें हमको जवाब मिलता है एंजल से, वेल एंड गुड। ऐसे रीडिंग से तो बहुत कुछ क्लियर हो ही गया है कि थर्ड पार्टी ने अपनी इम्प्रेशन ही इतनी जबरदस्त क्रिएट की आपके पर्सन के माइंड पे, और अपनी पिक्चर्स ऐसी लगाई, पोस्ट ऐसा लगाई जिसकी वजह से वो उनके घेरे में आ चुके हैं, लेकिन उनको रियलाइज होगा कि जो कुछ भी उन्होंने इसके बारे में सोचा है ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है रियलिटी में। आपके पर्सन की फैमिली ही थर्ड पार्टी से उनको दूर करने की कोशिश करेगी। आपके पर्सन आपको भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना आपके पर्सन को, जो कुछ करेगी इनकी फैमिली और स्पेशली इनके मॉम एंड डैड, यही आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से दूर करने में हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रही आपकी हेल्प करेंगे, आपके पर्सन की हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी पसंद नहीं आने वाली है आपके पर्सन के फैमिली को। ये रिजल्ट दिख रहा है आपकी रीडिंग में। अब बाकी का रहा ये सब आपके ऊपर है, आपको उनको माफ करना है, आपको उनको एक्सेप्ट करना है, आपको उनको रिजेक्ट करना है, ये सब आपका ही टेक होगा। आपके साथ उन्होंने चीटिंग तो की है, ये बात तो मानती हूँ, दोनों ही केसेस में इस तरह से हुआ है। फर्स्ट केस में खैर चीटिंग नहीं की, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन इसमें तो बकायदा चीटिंग ही कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। तो आपको उनके साथ क्या करना है ये टोटली आपका डिसीजन रहेगा।
आपके पर्सन ने सेकंड पाइल में डेफिनेटली आपको धोखा तो दिया ही है, लेकिन इस पार्टी के साथ भी ये ज्यादा टाइम बिताने नहीं वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, आपके रिलेशनशिप सलामत रहे, यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से। आप लोगों में आपस का प्यार बना रहे, उसमें कोई भी दरार ना डाल सके, और उसके लिए कोशिश आप दोनों को ही करनी होगी। खुद मामले अगर आप उलझाते हैं तो उन्हें खुद ही सुलझाया करो। ऐसा करोगे थर्ड पार्टी की एंट्री बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाएगी आप लोगों के रिलेशन में एंट्री होने से। बाय, योर फ्रेंड आरजे मधुरा।